गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, गोरखपुर से बड़ी खबर है। एमजी कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रेम वाटिका में प्रतिमा का किया अनावरण, कॉलेज के संस्थापक पर प्रतिमा का किया अनावरण। हमीरपुर पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध असलाह व 6 कारतूस बरामद। अभियुक्तों ने युवक का अपहरण कर मांगी थी 3 लाख रुपए की फिरौती। फिरौती ना मिलने पर युवक की अभियुक्तों ने कर दी थी हत्या। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। राट कोतवाली इलाके का मामला, हमीरपुर पुलिस ने हत्या की घटना का किया है खुलासा, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध असलाह व 6 कारतूस बरामद। अभियुक्तों ने युवकों का अपहरण कर मांगी थी 3 लाख रुपए की फिरौती। फिरौती ना मिलने पर युवक की अभियुक्तों ने कर दी हत्या। एक लड़का था जिसका नाम सर्वेश था, उसके पिता का नाम राजेश था और ये कस्बा राट का रहने वाला था और इसकी उम्र करीब 19 वर्ष है। इसकी हत्या इसके साथियों ने कर दी थी। उनके द्वारा जो है पैसों की डिमांड की जा रही थी, 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिस पर थाना राट पर मुकदमा प्रसंख्या 421/22 लिखा गया और इसमें 4 लोगों को जो है नामजद किया गया। इसमें जब विवेचना की गई तो उसमें 4 अभियुक्त और प्रकाश में आए। उन 8 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है कर ली गई है। इनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 तमंचों की इनसे बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से बड़ी खबर, स्टाफ नर्स ने डिलीवरी कराने के लिए मांगी रिश्वत। महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराने के लिए मांगे 10,000 रुपए। 5,000 रुपए लेकर नर्स ने कराई महिला की डिलीवरी। पीड़ित महिला के परिजनों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। राट तहसील के क्षेत्र के नौरंगा सीएससी का मामला है ये। हमीरपुर से बड़ी खबर है ये। स्टाफ नर्स की डिलीवरी कराने के लिए मांगी रिश्वत। महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराने के लिए मांगे 10,000 रुपए। 5,000 रुपए लेकर नर्स ने कराई महिला की डिलीवरी। पीड़ित महिला के परिजनों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पे वायरल। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। सद्भावना सम्मेलन का हुआ आयोजन, लखनऊ से बड़ी खबर। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में आयोजित हुआ सम्मेलन। सम्मेलन में सभी धर्मों के लोग हुए शामिल। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ हिंदू धर्म गुरु भी शामिल। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की सरपरस्ती में सम्मेलन। जमाती उलेमा के बगैर तले देशभर में चल रही है सद्भावना बैठक। सम्मेलन में जमाती के कई पदाधिकारी भी रहे मौजूद। हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई धर्मगुरु ने मौजूदा हालत पर व्यक्त की चिंता। राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को कायम रखने का दिया संदेश। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के आयोजित हुआ सम्मेलन। सम्मेलन में सभी धर्मों के लोग रहे हुए शामिल। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, श्रीवस्ती से बड़ी खबर। आप कार्यकर्ताओं ने भिंगा नगर में किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। केंद्र की मोदी व राज्य का योगी सरकार के विरोध में नारेबाजी। घरेलू गैस डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग।
महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है आम आदमी भी। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते बड़ी महंगाई। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। श्रीवस्ती से बड़ी खबर है ये, आप कार्यकर्ताओं ने भिंगा नगर में किया है जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों आप कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है, धर्म की नगरी में टीम इंडिया की जीत के लिए की गई प्रार्थना। भगवान शिव और भगवान हनुमान के मंदिर में किया गया यज्ञ और हवन। हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धालु ने पढ़े हनुमान चालीसा के पाठ। भारतीय क्रिकेटरों को काशीवासी ने दी शुभकामनाएं। वाराणसी से बड़ी खबर है ये, धर्म की नगरी टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की गई। भगवान शिव और भगवान हनुमान के मंदिर में किया गया यज्ञ और हवन। हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धालु ने पढ़े हनुमान चालीसा के पाठ। भारतीय क्रिकेटरों को काशीवासी ने दी शुभकामनाएं। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से कार्यक्रम, मेघावी छात्रों को किया गया सम्मानित। 400 छात्रों को किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। छात्रों ने रक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम का आभार प्रकट किया। गाजियाबाद में सीएनजी पंप पर धमाका, सीएनजी भरवा रहे ट्रक में हुआ धमाका। थाना विजयनगर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में का मामला है ये। गाजियाबाद में सीएनजी पंप पर धमाका, सीएनजी भरवा रहे ट्रक में हुआ धमाका। थाना विजयनगर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में धमाका हुआ है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पे, अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर।
पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पे, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।